लोग पुलिस को मारने के लिए दौड़ रहे हैं, किसी के पास ईंट है, किसी के पास लोहे का सरिया। इस माहौल के बीच धूल उड़ रही है। वीडियो में तीन पुलिस वाले देखे जा सकते हैं जो अपने बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं। तभी एक ग्रे रंग की टी शर्ट पहने लड़का तीनों में से एक पुलिस वाले पर हाथ चलाता है। उसी के साथ पुलिस वाला भी उसे हाथ मारता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। कुछ दो तीन लोग पुलिस वालों की मदद करते हैं उन्हें वहाँ से ले जाने में। वीडियो आगे बढ़ता है और लोग भी आगे, पुलिस के कुछ और साथी हैं। भीड़ अब वहाँ जाती है, किसी के हाथ में मोबाइल, किसी के हाथ में ईंट, किसी के हाथ में सरिया और मुंह पर गालियाँ। वो गालियाँ जो हम आपको सुनवा नहीं सकते, इसलिए उन्हें हटाना पड़ा। झड़प आगे भी बरकरार रहती है और इसी तरह धक्का मुक्की चलती रहती है, लेकिन वीडियो का अंत होता है दोनों पक्षों में मेल के साथ। दोनों ही तरफ से लोग एम्बुलेंस को आने के लिए जगह देते हैं, लेकिन वहाँ एम्बुलेंस क्यों आई थी? क्यों लोग पुलिस पर इतना गुस्सा हो गए कि मारने के लिए दौड़ पड़े? पुलिस भी भीड़ से निपटने की जगह खुद का बीच बचाव कर रही थी। सारी कहानी आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, वो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले का है। कौशाम्बी के खल्लाबाद इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री थी। 25 फरवरी के दिन उस पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री के अंदर लगातार धमाके होने लगे। खतरे को देख जैसे तैसे लोगों ने हिम्मत जुटाई और स्थिति को काबू करने के लिए फैक्ट्री के पास पहुँचे। हादसा बेहद वीभत्स था, इसलिए लोगों को तुरंत समझ आ गया कि पुलिस और दमकल अमले को बुलाना होगा। लोगों ने पुलिस का नंबर घुमाना शुरू किया। पुलिस से बात हुई तो दिलासा हुआ कि जल्दी मामला कंट्रोल कर लिया जाएगा। मामला कोखराज थाना क्षेत्र का है, तो वहीं की पुलिस पहुंचनी थी, लेकिन घड़ी घड़ी 25 मिनट बीत गए, पुलिस नहीं आई। अपने आसपास आग और धमाके देखकर, जान माल का नुकसान होता देखकर लोग गुस्सा होने लगे। जब 25 मिनट बाद पुलिस पहुंची, तो लोगों में भरा यह आक्रोश पुलिस पर फूट गया और ऐसा फूटा कि तगड़ी झड़प दोनों के बीच हो गई। वीडियो वायरल हो गया। किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में सरिया, कोई ईंट लेकर दौड़ रहा है, कोई खाली हाथ दम दिखा रहा है। सारे ग्रामीण मिलकर एक साथ पुलिस पर टूट पड़े। जाहिर है पुलिस इस चीज़ के लिए कतई तैयार नहीं थी। वो अपने साथ एम्बुलेंस और आग बुझाने का इंतजाम करके आए थे। पुलिस की टीम ने जब ये सब देखा तो पहले अपने स्तर पर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन जब काबू नहीं कर पाए तो अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी। आज तक के सहयोगी अखिलेश कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक फिर सिराथू क्षेत्र के DSP अवधेश विश्वकर्मा अपनी फोर्स लिए मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को डंडा लेकर उन्होंने दौड़ाया और इस तरह पुलिस के खदेड़ने पर लोग वहां से हटे। DSP अवधेश विश्वकर्मा ने इस मामले की जानकारी दी। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। दो दिन पूर्व भरवारी में जो एक दुखद दुर्घटना घटित हुई थी, उसी के दृष्टिगत स्थानीय लोगों में थोड़ी आक्रोश थी, जिसको लेकर के कुछ बहस हो रही थी पुलिसकर्मियों के साथ। मौके पर पुलिस बल मौजूद होकर के उनको समझाया बुझाया गया और इस समय नियंत्रण में है, कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। जैसे ही सूचना मिली तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन घटना बड़ी होने के कारण स्थानीय लोगों में कुछ आक्रोश था, जिसको लेकर के थोड़ी बहस हुई थी और इस समय मौके पर शांति व्यवस्था कायम। जिस दिन आग लगी थी उस दिन ग्रामीणों ने मीडिया को क्या बताया था, वो भी आप सुनिए। मैं अपने घर पे था, मैं घर पे सो रहा था तो ये फटने लगा। मैं तुरंत आया गाड़ी से, आने के बाद यहाँ प्रशासन थे नहीं, कम से कम आधा घंटा प्रशासन थे नहीं यहाँ। बाद में प्रशासन आने के बाद ना एम्बुलेंस टाइम से बुलाया ना, अगर ये पानी वाला टाइम से आ जाता तो उसमें 10 लोग बच जाते। अभी कितने लोगों की मौत की जानकारी? बहुत ढेर, इसमें से कोई पता नहीं कितने लोग। अगर ये आगे बुझाने वाला यंत्र, कितने लोग यहाँ काम करते थे? कम से कम 10 लोग तो बच ही जाते। कितने लोग यहाँ काम करते थे? 40 लोग यहाँ काम करते थे। आपने गांव वालों को सुना, पुलिस का पक्ष भी सुन लिया। DSP साहब का दावा है पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन दुर्घटना बड़ी थी इसलिए स्थानीय लोग आक्रोशित थे और आक्रोश की ही वजह से सब हुआ। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी झकझोरने वाली दुर्घटना होती है तो लोगों की भावनाएं चरम पर होती हैं, मगर क्या इन भावनाओं का गुस्से में बदल जाना और फिर हिंसक रवैया अख्तियार कर लेना किसी के लिए फायदेमंद है? जवाब आप जानते ही, जान चली गई जाहिर है। इसके बाद पुलिस और दमकल अमला केवल पोस्ट एक्सीडेंट मेजर्स ही ले सकता था, माने दुर्घटना के बाद किए जाने वाले उपाय। जल्दी पहुंचने से थोड़ी बेहतर मदद जरूर हो सकती थी। वीडियो बनाए जाने तक इस दुर्घटना से कुल 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। इसके अलावा सभी घायल प्रयागराज के SRN अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज जारी है। 27 तारीख को ही लल्लन टॉप ने एक और वीडियो किया था। वीडियो में खबर थी कि एक दरोगा ने चाय वाले को पीट दिया था। अब आपके सामने एक खबर है जिसमें आम लोग पुलिस को पीटने के लिए दौड़ रहे हैं। दोनों ही मामलों में जांच पेंडिंग है। जांच पूरी होने पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा कि गलती किसकी थी। तब तक इन खबरों को अपने लेंस से आप देख सकते हैं और अपने अपने हिस्से का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए इसे लिखा है हमारे साथी शेख नावेद ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देखते रहिए लल्लन टॉप UP। शुक्रिया।